क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी के। आ रहे ना वो भी कल आ रहे, कल है परसों, कल है तरह तरह। क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी से दो छात्र अरेस्टिकेट किए हैं? देखिए सर, इनका जो बीजेपी का जो छात्र संगठन है एबीवीपी, इसका संचालन ये इनकी ही एक जो आरएसएस है वो करती है और बीजेपी करती है, इनका एबीवीपी संगठन है। और जो यहाँ का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का इनका प्रधान है, उसको आज यूनिवर्सिटी ने निष्कासित किया है। और निष्कासित करने का जो यहाँ पर कारण बताया है कि उसने उसके साथ रैगिंग की है, उसके साथ गुंडागर्दी का काम, उसके साथ मार पिटाई करने का काम किया है। और ये बात तो हम पहले से कहते रहे हैं कि इनका जो छात्र संगठन है यहाँ पर सरकार की शय से निरंतर गुंडागर्दी की जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ाने का काम कर रहा है। और निरंतर हमने ये कहा है कि यहाँ पर आरएसएस के जो लोग हैं यहाँ हॉस्टल्स में रहकर फ्री का खाना खाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को धमकाने का प्रयास करते हैं। और पीछे भी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट इलेक्शन में किस प्रकार से इन्होंने गुंडागर्दी करके अपने जो एक जब कोई भी यूनियन इलेक्शन नहीं लड़ रही, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, तब भी यहाँ पर ये दो सीटों पर विजयी सिर्फ इस मकसद से हुए कि इन्होंने गुंडागर्दी करके उनको स्टूडेंट काउंसिल में बिठाने का काम किया। और आज ये सारा स्टूडेंट जो है ये इनकी गुंडागर्दी को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस प्रकार की गतिविधियां जो हो रही हैं, जो इनका तथाकथित सरकार का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है, उसके ऊपर बैन लगाए और जो कानूनी कार्रवाई है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।